बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माचबी लेक्चर बॉटनी। आज हम अपना बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दैट इज़ सम मेजर इकोसिस्टम्स इन पाकिस्तान या सम मेजर इकोसिस्टम इन वर्ल्ड। और इस चैप्टर के अंदर हम पाकिस्तान के कुछ इकोसिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो डिस्कस किए थे पाकिस्तान के इकोसिस्टम, उनमें टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट था, कॉनिफेरस अल्पाइन बोरी फॉरेस्ट थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टंड्रा इकोसिस्टम। यानी आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। एज़ फार एज़ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ कंसर्न, इसकी लोकेशन अगर आप पाकिस्तान में देखें, इट इज़ प्रेजेंट इन गिलगित, कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल, नॉर्थ कलात। इन वर्ल्ड यू कैन सी अ लार्ज ग्रासलैंड इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स, यानी जहाँ पर यूरोप और एशिया की बाउंड्री है। इसमें आपको दो तरह की ग्रासलैंड्स मिलती हैं, प्रेरीज एंड स्वानास। प्रेरीज क्या हैं? ग्रासलैंड प्रेजेंट टेम्परेट क्लाइमेट आर आल्सो कॉल्ड प्रेरीज, सच एज प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीनिया। दीज ग्रासलैंड डू नॉट हैव वुडी प्लांट टू, सो दे आर नॉन एज प्रेरीज। यानी ऐसी ग्रासलैंड जिसमें किसी भी किस्म का कोई वुडी प्लांट नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई ट्री नहीं होता। स्वानास क्या हैं? ये आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलते हैं और इनमें आपको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर वुडी ट्रीज मिल जाते हैं। अगर हम इसका रेनफॉल पैटर्न देखें तो आप देखते हैं कि इसमें स्फीयर ड्राउट कंडीशन को ये फॉलो कर रहे होते हैं। एनुअल रेनफॉल इज़ अबाउट 250 टू 750 मिलीमीटर, यानी 10 टू 30 इंचेस। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीच अबाउट 1500 मिलीमीटर। यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आप देखो तो जो बारिश है वो 60 इंचेस तक पहुँच जाती है। दस ग्रासलैंड अकर इन रीजन वेयर मीन एनुअल रेनफॉल इज़ मिडवे बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। यानी फॉरेस्ट से कम बारिश होती हैं और डेजर्ट से ज़्यादा बारिशें यहाँ पर आप देख रहे होते हैं। इन जनरल दे हैव अ कॉन्टीन्यूस कवर ऑफ ग्रास एंड वर्चुअली ऑन नो ट्रीज एट ऑल एक्सेप्ट अलॉन्ग द रिवर्स। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि ये पूरा ग्रास का एक कारपेट होते हैं, ट्रीज़ वगैरह नहीं होते, सिवाय उन एरियाज़ के जो रिवर के पास है वहाँ पर आप देखते होते हैं कि ट्रीज़ आपको मिल जाते हैं। वाटर एंड फायर, वाटर एंड फायर आर द क्रूशियल फैक्टर्स इन द कम्पिटिशन बिटवीन ग्रासेज एंड ट्रीज़। तो कंपटीशन जो है फूड का, स्पेस का, वो बेसिकली वाटर और फायर की प्रेजेंस की बेस पर है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर प्लांट लाइफ कैसी है, द डोमिनेंट स्पीशीज़ आर ग्रेमोनॉइड्स, यानी ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट्स के आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं बिकॉज इट इज़ अ ग्रासलैंड। सर्टन फोब्स, एनी ब्रॉड लीव्ड हर्बेशियस प्लांट दैट इज़ नॉट अ ग्रास, स्पेशली वन दैट ग्रो इन अ प्रेयर्स और मेटोज। तो हमारे पास कुछ फोब्स जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। फोब बेसिकली क्या होते हैं? ब्रॉड लीव्ड हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली ग्रासेस नहीं होते, सच एज कंपोजिट्स, लिग्यूम्स एंड मैनी अदर हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ग्रासेस। हम ग्रासलैंड में जो एक फीचर देखते होते हैं जो बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ लेयरिंग। तो लेयरिंग इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड। यानी क्या होता है, कुछ आपके पास टॉल ग्रासेज होती हैं, कुछ मिड ग्रासेज होती हैं, कुछ स्मॉल साइज ग्रासेज होती हैं। टॉल ग्रासेज के अंदर जो आपको एग्जाम्पल दी हुई है एंड्रोपोगान एंड पेनिकियम की है, इट फॉर्म द फर्स्ट लेयर। मिड हाई ग्रासेज में स्टीपा, स्पोरोबोलस और आइजोपस आ जाती हैं, दे फॉर्म द सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर इज़ फॉर्म बाय द शॉर्ट ग्रासेस एंड फॉब्स एंड वारफेयर स्पीशीज, फॉर एग्जांपल पोआ एंड प्रॉम्बस विद मॉसेस एंड लाइकन। यानी सबसे नीचे आपको मॉसेस, लाइकन और कुछ शॉर्ट ग्रासेस मिल जाती हैं। सॉइल कंडीशन इसकी अगर आप देखें तो सॉइल मॉइस्चर इज़ लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई वेपोरेशन। यहाँ बारिशें कम होती हैं, वेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर कम है। हाँ, लेकिन जो इसकी अपर लेयर होती है सॉइल की, वहाँ पर आप देखते होते हो कि वो मॉइस्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप डीप मूव करते रहते हो ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। द सॉइल ऑफ ग्रास लैंड इज़ बेसिकली इम्परमीएबल विद एक्सेसिव सैलिनिटी, तो इसमें सैलिनिटी भी ज़्यादा है। एनिमल लाइफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हर्बीवोर्स भी मिलते हैं, प्रीडेटर्स भी मिलते हैं, डिकम्पोजर्स भी मिलते हैं और लार्ज एनिमल्स भी मिलते हैं। हर्बीवोर्स में अगर हम देखें तो दे डोमिनेट स्पीशीज़ आर हर्बीवोर्स। इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स आर वेरी न्यूमरस। ग्रास सुपर्स बिकम सो न्यूमरस दैट दे कैन कम्पीट विद अदर हर्बीवोर्स फॉर प्लांट फोलियज। प्रीडेटर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स सच एज लेजर्ड, स्टोर्स एंड टर्टल्स प्रे ऑन इंसेक्ट्स। फॉक्सेज एंड वुल्व्स अमंग मैमल्स आर वेरी कॉमन। डिकम्पोजर्स, अमंग डिकम्पोजर्स मैनी बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंगस लाइक मॉसेज, मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई ऑल्सो कॉमन। लार्ज एनिमल में आप देखें यहाँ पर आपको ज़ेब्रा, वाइल्ड हॉर्सेज एंड बेसेंस मिलते हैं। नाउ वी हैव प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड। इन टेम्परेट ग्रासलैंड द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ अबाउट 700 टू 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली।
प्रोडक्टिविटी हमने पहले भी पढ़ी थी कि प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर अगर आप देखें जो टेम्परेट एरिया के अंदर ग्रास लैंड है वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली है. अगर आप सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को देखें तो वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी 4000 तक मिलती है. इन एनुअल ग्रास लैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट 5 to 10% ऑफ द टोटल हर्बेज प्रोड्यूस्ड. इनवर्टिब्रेट्स रोडेंट्स एंड बर्ड्स मे कंज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ और लिटल मोर. तो वहाँ पर जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो इन प्लांट्स वगैरह को खा के, ग्रासेस को खा के उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं. हमारा क्या इम्पैक्ट है ग्रास लैंड पर? क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग. अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन को देखें, द नेचुरल ग्रास लैंड इन वर्ल्ड आर यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट. तो नेचुरल ग्रास लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं एक तो मवेशियों के चारे के लिए भी और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी. कल्टिवेशन के लिए हमने ग्रास लैंड को साफ करना शुरू कर दिया. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड ग्रास लैंड हैज़ बीन इन कल्टिवेशन ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशन विद सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी. ग्रेजिंग हैज़ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ग्रास लैंड. ओवर ग्रेजिंग कॉज रिडक्शन इन द हर्बेज कवर एंड रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. हमने बार बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं जो ना सिर्फ गो थ्रू करवाती जा रही हूँ आपको. तो वो कहते हैं अगर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो सॉइल जो है वो इरोड कर सकती है. मैनी लैंड आर कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट बाई प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग. यानी ओवर ग्रेजिंग इतनी खतरनाक है कि किसी भी ग्रास लैंड को डेजर्ट इको सिस्टम में वो चेंज कर सकती है. नाउ वी हैव डेजर्ट इको सिस्टम. अगर आप पाकिस्तान में इसकी लोकेशन देखें तो पाकिस्तान में आपको तीन तरह के डेजर्ट्स मिलते हैं, थल, थर और चोलिस्तान. थल जो है वो वेस्टर्न पंजाब में मिलता है, यानी मियाँ वाली और बखर के डेजर्ट्स. और अगर आप चोलिस्तान को देखें तो ये आपको फोटाबास, भावलनगर, यजमान, भावलपुर में मिलता है, खानपुर एंड रहमिया खान. थर जो है सिंध में जितने भी डेजर्ट्स हैं वो थर कहलाते हैं. दीज बायोम्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफन अब अराउंड 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड एंड ऑल्सो इन द रेन शेड ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस. यानी वो कहते हैं कि ये बायोम्स तकरीबन आपको हर जगह पर मिलते हैं, हर मुल्क के अंदर, हर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिलते हैं. मुल्क तो नहीं कह सकते, कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आप, कि हर कॉन्टिनेंट के आपको मिलते हैं. इवन के माउंटेन रेंजेस के जो शेडोज़ हैं, रेन शेडोज़ हैं, वहाँ पर भी डेजर्ट जो हैं वो पाए जाते हैं. डेजर्ट इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट. एट वन एक्सट्रीम आर सर्टन एरियाज़ ऑफ सहारा और काइल. यानी क्लाइमेट चेंज कर सकता है, वेयर इट वर्चुअली नेवर रेन एंड देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल. तो एग्जाम्पल दी हुई है सहारा डेजर्ट की, वहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई, किसी भी किस्म की कोई वेजिटेशन आपको नहीं मिलती. द मोर कॉमन डेजर्ट हाउएवर आर करेक्टराइज बाई वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन एंड लार्ज एरिया ऑफ द बेयर ग्राउंड. तो आमतौर पर हमारे पास जो डेजर्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि या तो वो बिल्कुल बेयर एरिया होते हैं या फिर अगर वेजिटेशन मौजूद होती है तो काफ़ी फासले के ऊपर होती है. रेनफॉल रेट जो है बहुत लो है, 10 to 20 इंचज़, या फिर बिल्कुल भी नहीं होती. प्लांट लाइफ अगर आप देखें तो प्लांट लाइफ आप देखते हैं इवनली स्पेस्ड है. अगर हाथ से लगाए हुए हैं, बाई हैंड अगर प्लांटेशन की हुई है तो इवनली स्पेस्ड होती है. इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रीनेलियल प्लांट्स मिलते हैं. प्रीनेलियल प्लांट्स आर बुशीज़ और केक्टाई विद लार्ज शैलो रूट सिस्टम. गहरा जो है इनके मतलब बड़ा सा रूट सिस्टम मौजूद होता है विच इज़ शैलो, नॉट डीप. इसके अलावा हम देखते होते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग मौजूद होती है क्यूटिकल की, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके. वाटर को कंजर्व करने के लिए इनमें सिस्टम मौजूद है. उनकी जो स्टेम है वो थिक है, जैसे कैक्टस हो गया, जैसे कुछ सकुलेंट प्लांट्स हैं वहाँ पर वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं. डेजर्ट प्लांट्स कंजर्व वाटर इन वैरायटी ऑफ वेज. किक्टाई एंड यूफोरबिया हैव फ्लैशी स्टेम इन विच वाटर इज स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राउट. एनिमल लाइफ अगर आप यहाँ पर देखें तो एनिमल लाइफ यहाँ पर ऐसी मौजूद है जिसको सर्वाइवल के लिए बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए, जैसे कि कैंगरू हो गया हमारे पास, इसके अलावा कुछ लीजर्स हैं और कैमल. सर्वाइव ऑन लिटल वाटर. एनिमल्स आर ऑल्सो स्पेशली अडाप्टेड टू सर्वाइव ऑन लिटल वाटर. मोस्ट ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स सर्वाइव विद आउट इवर ड्रिंकिंग एट ऑल, गेटिंग ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड एंड वट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन द टिश्यू. यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी पानी नहीं पिया, तो वो अपनी पानी कमी को कैसे पूरा कर रहे हैं? वो कुछ ऐसे फूड खाते हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ सीड्स ऐसे खाते हैं जिनमें वाटर मौजूद होते हैं. इसके अलावा उनके अंदर जो रेस्पिरेशन के नतीजे में पानी बनता है उसको वो अपने टिश्यूज़ में इस्तेमाल करते हैं. लार्ज एनिमल्स सच एज डेजर्ट बिघॉर्न, शीप एंड कैमल आर डिपेंड ऑन द परमानेंट वाटर होल्स ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट टाइम ऑफ द ईयर. हाँ, इनको पानी की ज़रूरत होती है और इनके पास ये एबिलिटी है कि जब इनको पानी मिलता है तो काफ़ी हद तक वाटर को स्टोर कर लेते हैं. इसके अलावा एनिमल्स के अंदर एक अडाप्टेशन है, दे हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग द डे.
जब बहुत गर्मी होती है तो वो अपने आप को बर्रोज़ के अंदर जो है वो छुपा लेते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना पहुँचे, और जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकल आते हैं। दे इमर्ज एट डार्क। आफ्टर डार्क व्हेन डेजर्ट कूल डाउन, हॉर्न्ड लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स इमर्ज टू फीड, एज डू मैमल्स सच एज कैंगरू, रैट एंड बर्ड सच एज बर्रोइंग ऑयल। इन रात के टाइम तमाम एनिमल्स निकल आते हैं ताकि वो अपनी फूड को हासिल कर सकें। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली हम डेजर्ट्स को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम जो ग्रास लैंड हैं या फिर जो कल्टिवेटेड लैंड हैं उनको डेजर्ट्स में चेंज कर रहे हैं। वाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ मैनी बायोम्स, दे आर कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, अ प्रोसेस कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल इज अकरिंग इन साहिल विच बॉर्डर द सदर्न एज ऑफ द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट मौजूद है, उसकी बाउंड्री के ऊपर एक एरिया होता था साहिल। वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वहाँ पर रिसोर्सेज को बहुत इस्तेमाल करने की वजह से जो एरिया है इट कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट या इट बिकम द पार्ट ऑफ द डेजर्ट। 25 ईयर्स ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल कपल विद द रैपिड ग्रो ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैव कॉज्ड अ स्टेडी आउट साउथवर्ड स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। तो क्या हुआ, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती रही, यानी रेनफॉल कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो लैंड के ऊपर वज़न बढ़ गया, उसकी वजह से वो डेजर्ट में चेंज हो गए। द साहिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। द लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम इज नियरली इरिवर्सिबल। यानी अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना तो इरिवर्सिबल है। एंड मैसिव फेमिन्स कैन अकर सच एज अकर्ड इन यूथोपिया इन द मिड ऑफ 1980s एज आर अ ट्रेजिक रिजल्ट। तो ये हमारे पास एक 1980s में इथोपिया के अंदर एक फेमिन आया था विच वॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, विच वॉज ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग ऑफ द एरिया। Now we have the last ecosystem, which is tundra ecosystem. The Arctic tundra is a vast treeless region bordering the Arctic Ocean. It is used to describe type of vegetation, treeless high latitude between taiga and polar ice caps, and at high altitude across the mountain above timber line such as mountain of Karakoram and Koh Hindukush in Pakistan. यानी अगर हम टंड्रा की बात करें तो टंड्रा आपके पास हाई लेटीट्यूड के ऊपर भी मौजूद है और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी मौजूद है। हाई लेटीट्यूड के अंदर अगर हम टंड्रा को देखें तो ये आपको टेगा और पोलर आइस कैप्स के दरमियान मिलता है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर देखें तो ये आपको कराकरम और को हिंदुकश के पहाड़ों में मिलता है। आर्कटिक टंड्रा स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया विद हाई लेटीट्यूड। यानी हाई लेटीट्यूड के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान के अलावा जो टंड्रा इकोसिस्टम है दैट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया। प्लांट लाइफ, द ग्राउंड इज कार्पेटेड विद स्मॉल पेरिनियल फ्लावर्स एंड डवार्फ विलोज नो मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर टॉल, ऑफन विद लार्ज लाइकन कॉल्ड द रेन डियर मॉसेस। तो आमतौर पर बहुत छोटे छोटे साइज, आमतौर पर आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे साइज के फ्लावर्स मिलते हैं बिल्कुल कार्पेटेड, चंद सेंटीमीटर बड़े अगर हैं तो हैं, जिनमें आपके पास रेनडियर मॉसेस आते हैं वैसे कार्पेटेड है। एनिमल लाइफ अगर आप देखें तो स्टैंडिंग पूल प्रोवाइड्स सुपर मॉस्कीटो हैबिटेट। द मॉस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट्स प्रोवाइड फूड फॉर न्यूमरस बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीस, मोस्ट ऑफ विच माइग्रेट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू नेस्ट एंड रेज देयर यंग ड्यूरिंग द ब्रीफ समर फीस्ट। तो जैसे ही गर्मी आती हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ फिर अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, फिर वापस आ जाते हैं इस एरिया में। The tundra vegetation sport lemmings which are eaten by wolves, snowy owls, arctic fox and even grizzly bears. तो ये हमारे पास यहाँ पर animals आ जाते हैं। Human impact की अगर हम बात करते हैं तो tundra ecosystem जो है वो बहुत fragile है, क्योंकि इसमें जो biome है या उसके अंदर जो plant species हैं उनका जो growing season वो बहुत थोड़ा होता है। यानी आपके पास एक example दी हुई है कि अगर आपके पास एक कोई प्लांट स्पीशी है वहाँ पर, कोई विलो है जिसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक है और उसकी जो विथ है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी एज कितनी हो सकती है 50 ईयर्स, यानी 50 साल में वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर का हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत फ्रेजाइल हैं, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड ईजीली। स्कार्स अगर आप देखें कि क्या हमें मिले हैं वहाँ पर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द टंड्रा लीव्स स्कार्स दैट परसिस्ट फॉर सेंचुरीज। Fortunately for the tundra inhabitants, the impact of civilization is localized around oil drilling stairs. तो आमतौर पर अगर हमने देखा कि हमने जहाँ पर नुकसान पहुँचाया टंड्रा को, वहाँ पर जहाँ जहाँ से ऑयल की ड्रिलिंग की गई है, पाइप लाइन्स बिछाई गई हैं, माइनिंग की गई है या मिलिट्री बेसिस बनाए गए हैं, तो इन चीज़ों ने जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। नाउ वी हैव अ प्रिसाइज पैराग्राफ विच इज़ अबाउट द ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। द एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट रिलेटिव
लीव फ्यू इको सिस्टम अनडिस्टर्ब. हमने बहुत कम इको सिस्टम को छोड़ा है, ज़्यादातर इको सिस्टम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं. आवर इम्पैक्ट ऑन नेचुरल इको सिस्टम आर वेरी डाइवर्स एंड वाइड रेंजिंग. इको सिस्टम डोमिनेटेड बाई पीपल लैंड टू बी सिंपल, दैट इज़ दे हैव फ्यूअर स्पीशीज एंड फ्यूअर कम्युनिटीज इंट्रैक्टिंग दैट एन अनडिस्टर्ब इको सिस्टम. तो हमारे पास जो इको सिस्टम जहाँ पर लोग होते हैं वो बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए प्लांट्स को भी इलिमिनेट किया हुआ होता है, एनिमल्स को भी इलिमिनेट किया होता है. हाँ, जो अनडिस्टर्ब इको सिस्टम है उसमें सेवरल टाइप के स्पीशीज मौजूद हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द इको सिस्टम विच इज़ डोमिनेटेड बाई द पीपल. ये हमारा चैप्टर था जो कम्प्लीट हो गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 25 को स्टार्ट करेंगे विच इज़ इको सिस्टम. इसमें आपको कोई मसला हो तो आप उसे डिस्कस करें. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.